हेलो एवरीवन, मैं हूँ सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो क्लास है वो क्लास 10th के बच्चों के लिए है, और जो चैप्टर मैं करवाने वाला हूँ वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको दो फार्मूला मालूम होना चाहिए। एक फार्मूला तो होता है टर्म निकालने के लिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, और दूसरा फार्मूला जो है वो है आपका सम निकालने के लिए, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। और एस एन का और एक फार्मूला होता है, वो होता है आपका एन बाय टू ए प्लस एल। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है, एल क्या है, तो मैं सब आपको विस्तार पूर्वक बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो ए पी होता क्या है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसको है वो मैं बताता हूँ। देखिए, मैं एक सीरीज़ ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ले लिया 2 4 6, ठीक है ना। और इसी प्रकार से मैं और भी डॉट डॉट करके ले सकता हूँ, मगर मैं ये 3 नंबर का ही सीरीज़ लेता हूँ। तो देखिए, इनके बीच में जो डिफरेंस है कितना का है, 2 का है। इसके बीच में भी जो डिफरेंस है वो 2 का है। अगर आगे मैं यहाँ 8 ले लूँ तो यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का है, और 10 ले लूँ तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस है वो 2 का है। तो एक ऐसा सीरीज जिसमें जो डिफरेंस हो वो सबका क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। और इसी को हम क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे इसको हम लोग, कॉमन डिफरेंस। और ये जो कॉमन डिफरेंस होता है इसी को इस फॉर्मूले में डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या से रिप्रेजेंट किया जाता है, डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये पहला वाला जो नंबर होता है इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली अगर ये टर्म के बारे में बात करें तो पहला वाला नंबर के लिए मैं बोलूँगा कि ये ए वन है, मतलब कि ये पहला टर्म है। ये ए टू है, मतलब कि ये दूसरा टर्म है। ये 3 है, इसका मतलब है ये थर्ड टर्म है। और ये ए 4 है, मतलब कि ये फोर्थ टर्म है। ए 5 है, मतलब कि ये फिफ्थ टर्म है। ठीक है, और जब भी कभी आपको अगर डी निकालना हो तो आप ए 2 माइनस ए 1 करके निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे ये जो 10 है ये लास्ट टर्म है, तो इसके लिए हम एल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या को रिप्रेजेंट करते हैं, एल को। ठीक है, अब देखिए, अगर इसमें से कोई सा टर्म निकालना है हमको, क्या निकालना है, कोई सा टर्म। जैसे कि अभी ये 8 हमको पता है, मगर अगर मैं ये 8 को मिटा दूं यहाँ पे थोड़ा देर के लिए, और यहाँ पे मैं आपको एक बॉक्स बना के दे दूं और आपसे मैं पूछूंगा कि जो 8वां टर्म है वो क्या होगा, और आपको सिर्फ मालूम होगा, बोला जाएगा कि एक एपी है उसका पहला टर्म 2 है और उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 है, तो बताइए कि उसका ए फोर्थ टर्म कितना होगा। ए फोर्थ टर्म, ऐसे ये जो लिखा है मैंने लिखा, ये फोर्थ टर्म कहते हैं इसको। इसको क्या कहेंगे हम, फोर्थ टर्म। तो पूछा जाएगा कि फोर्थ टर्म क्या है। ठीक है, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीचे में जो भी लिखा हुआ इसके लिए हम लोग एन रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ए एन, ऐसे ए एन। जैसे यहाँ पे ए वन है ना, तो ये 1 क्या है, एन है। ये 2 क्या है, एन है। ये 3 क्या है, एन है। ये 4 क्या है, एन है। ये 5 क्या है, एन है। ठीक है, तो अभी हमको निकालना क्या है, ए फोर्थ निकालना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है टर्म निकालने का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पे ए फोर्थ निकालना हमको, ए का वैल्यू कितना है, 2 है, और एन कितना है यहाँ पे, देखो एन कितना है यहाँ पे, देखो 4। तो यहाँ पे हम लिख दिए 4 माइनस 1, और डी क्या दिया गया था, 2, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 2। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 2 प्लस ये 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, और इसको 2 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे 2 प्लस 6 हो जाएगा, और उसके बाद ओवरऑल वैल्यू इसका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग टर्म निकाल सकते हैं। अब उसी प्रकार से अगर यहाँ पे इन सब का सम निकालने के लिए मैं बोलूँ तो आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना होगा, एस एन।
एस एन, तो एस एन अभी ये देखिए मैं पूरा यहाँ तक का सब निकालना चाहता हूँ, तो एस क्या है ये ला, फाइव है ना, फाइव टर्म तक सम करना है ना, तो पहले मैं एस एन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखिए एस एन मैंने लिखा, एकदम एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन ही आपको मैं गिवन टर्म बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे ए इजिकल टू टू दिया है और डी इजिकल टू यहाँ पे टू दिया हुआ है, और आपको बोला जा रहा है कि एस फाइव तक का आपको क्या करना है, सम बताना है। क्या करना है, सम बताना है। तो आप क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे, एन बाय टू, फिर टू ए प्लस एन माइनस वन डी, यही फॉर्मूला होता है ना। तो अब यहाँ पे एन कितना दिया हुआ है, एस फाइव, एन का वैल्यू कितना है, फाइव, तो ये फाइव बाय टू हो जाएगा, टू का टू इंटू टू, ए का वैल्यू टू है, प्लस एन माइनस वन मतलब फाइव माइनस वन, और उसके बाद यहाँ पे डी आ जाएगा, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइव बाय टू, उसके बाद ये टू टू जो क्या हो जा रहा है, फोर हो जा रहा है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर। अच्छा डी का वैल्यू टू था तो मैं लिख देता हूँ टू, और इसको अगर ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फाइव बाय टू, और यहाँ पे फोर, और यहाँ पे कितना आ जा रहा है, एट। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जा रहा है, फाइव बाय टू इंटू फोर प्लस इतना मतलब कि ट्वेल्व, और ये कटा तो सिक्स, और सबको जोड़ने पे आ जाएगा थर्टी। आप ऐसे भी मैनुअली जोड़ के देख लीजिए कितना हो रहा है, दो और चार छः, छः छः बारह, बारह आठ बीस, और बीस दस तीस। समझ में आ गया होगा आपको, ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, और इसका यूज़ क्यों करते हैं वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे और उस क्वेश्चन से एपी को और स्ट्रांग करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है इसमें बोला जा रहा है फाइंड द 20 टर्म, ठीक है ना। गौर से देखिए क्या निकालना है हम लोग को, 20 टर्म निकालना है और एंड टर्म भी निकालना है ऑफ ए सीक्वेंस। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ सॉल्यूशन तो अच्छा रहेगा, और उसके बाद हेयर यहाँ पे जो एपी है वो कितना है, 7 4 1 -2 -5, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ए क्या है, ए 7 है, और डी क्या है, डी के निकालने के लिए मैंने आपसे कहा था कि आपको क्या करना है, ए 2 - A1 कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म जो है ये हमारा ए वन है, यहाँ पे अगर मैं रेड से ड्रॉ करूँ तो ये मेरा ए वन है, और ये मेरा क्या है, ए टू है। तो यहाँ पे ए टू माइनस ए वन तो मेरे को क्या मिलेगा, 4 - 7, मतलब कि यहाँ पे ये डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो -3 हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले बोला गया 20 टर्म, मतलब ए 20 निकालना है, ए 20 निकालना है, ए 20 इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए, तो ए क्या है यहाँ पे, 7 है, और उसके बाद में प्लस एन माइनस वन मतलब कि 20 - 1, एन क्या है, 20 है ना। मैं अगर ये भी लिख दूँ तो यहाँ पे एन कितना है, 20 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट, और डी, डी कितना निकाले हम लोग, -3। तो देखिए कितना हो जा रहा है, 7 प्लस, ये दोनों से करेंगे तो 19 - 3। तो अभी एक बात बताइए, 7 प्लस 19 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करने से कितना मिल जाएगा, 7, और 2 हाथ में, और फिर 3, 57 मिल जा रहा है ना। ये हो जाएगा हमारा 57, और ये माइनस साइन है तो ये कितना हो जाएगा, -53 हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, -50 इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया था, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 78, मतलब ये जो 78 है ना ये कौन सा पोजीशन में आ रहा है, कौन सा पोजीशन, मतलब यहाँ पे हम लोग को एन निकालना है, देखिए ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास एपी जो है वो है 3 8 13 18, ठीक है। तो यहाँ पे इससे हम लोग को ए का वैल्यू मिल गया 3, और डी का वैल्यू मिल जाएगा 8 - क्यों मिल रहा, समझ में आ रहा है, ए का फॉर्मूला जो है डी का मैं लिख ही देता हूँ, अच्छा रहेगा, बार बार लिखना भी चाहिए। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, a2 - a1, तो यहाँ पे 8 - 3 तो ये हो जाएगा 5,
और उसके बाद में बस। और हाँ, और देखिए यहाँ पे एस एन ए, एन का वैल्यू दिया हुआ, टर्म है हमारे पास, टर्म है हमारे पास, एन कितना दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है। तो यहाँ पे एन का फॉर्मूला मैं लिखूँगा, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी। ए क्या है, 3 प्लस एन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए एन का वैल्यू जो है वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। एन कितना दिया हुआ है, 78, ए का वैल्यू 3, एन माइनस वन, हमको एन का वैल्यू नहीं मालूम है तो इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, और डी का वैल्यू जो है वो है 5, उसको लिख देते हैं। अब उसके बाद में देखिए, अगर मैं ये 3 को यहाँ लेके आ जाऊँ तो 78 माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 5 एन माइनस वन रह जाएगा, और इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये 75 हो जाएगा, और ये जो 5 था इसको मैं यहाँ नीचे लेके आ जाऊँगा तो यहाँ पे एन माइनस वन बच जाएगा, और अगर मैं इसको अभी डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 5 1 जा, और उसके बाद में फिर यहाँ कितना हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा 5 1 जा, और उसके बाद में यहाँ पे आपका 5 5 जा 25, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस वन आ जाएगा और एन ऐसे ही रह जाएगा, तो एन इज इक्वल टू कितना हो गया, 16, एन इज इक्वल टू कितना हो गया, 16, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लिया, और हम लोग एन का पोजीशन, सॉरी फॉर दैट, हम लोग यहाँ पे, हाँ इसका टर्म हम लोग यहाँ निकाल लिए, ठीक है ना। ये कौन सा टर्म में है, ये आपका 16th टर्म में है पोजीशन। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ऊपर का जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, यहाँ पे दो था, एक हम लोगों को एंड टर्म ही निकालना था, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 20 टर्म ही निकाला था। एंड टर्म निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जस्ट यहाँ पे आपको ए एन लिखना होगा, और 7 है हमारे पास तो 7 लिख देना पड़ेगा, और यहाँ पे एन माइनस वन, और फिर डी कितना है, माइनस 3, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, और ये माइनस, तो यहाँ माइनस 3 एन हो जाएगा, ये माइनस 3 हो जाएगा, ए एन ऐसे ही रहेगा, और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 3 और 7 ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 एन, बस यहाँ तक ही ये जाएगा, उसके बाद में इसका जो वेरिएबल है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा ना। हाँ माइनस है, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा इसका, नेक्स्ट वाला जो था यहाँ पे, जो हम लोगों को nth टर्म भी निकालना था ना, तो nth टर्म में कोई नंबर का वैल्यू नहीं था तो हम लोग n लेके ही सॉल्व करेंगे ना, n लेके ही सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस वन रहेगा, तो n माइनस वन के लिए इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 एन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस 3 आ जाएगा, और फिर 7 और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 माइनस 3 एन, 10 माइनस 3 एन, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ए आंसर आ जाएगा, किसका वैल्यू है, ए एन का वैल्यू है, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी हम लोग समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए सिंपल है, यहाँ पे बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, मतलब एन निकालना है इसमें, क्या निकालना है हम लोग को, एन निकालना है, ठीक है। तो अब एन निकालेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ गौर से देखिए, पहले यहाँ पे जो सीरीज़ है हमारे पास, यहाँ पे जो ए पी का गिवन सीरीज़ दिया हुआ है वो है आपका 7 13 19 डॉट डॉट करके 205, ये लास्ट है, ये लास्ट नंबर है। तो मैं अगर इसको एस एन ले लूँ, सॉरी ए एन ले लूँ, ये हमारा लास्ट टर्म है, तो मैं यहाँ पे इसको ए एन ले कर जाऊँगा, तो अगर इसका पोजीशन मिल गया, मेरा बात समझिए, जैसे कि ये कोई सा पोजीशन में था, 1 पोजीशन 2 3, वैसे ये लास्ट वाला भी तो ए एन में होगा ना, तो अगर हम एन निकाल ले तो हमको पता चल जाएगा ना टोटल कितना टर्म था गिवन ए पी में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ, ए का वैल्यू 7 है, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 माइनस 7, दैट मीन्स 13 माइनस 7 कितना होता है भाई, 3 यहाँ गया, 7 6 ना, और उसके बाद में यहाँ पे ए एन कितना होगा, 205 होगा, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, प्लस एन कितना है नहीं पता हम लोग को, तो यहाँ पे एन माइनस वन वैसे ही छोड़ देंगे, और यहाँ पे डी का वैल्यू जो हम लोग निकाले कितना है डी, ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है 6, और ए एन कितना है, ए एन देखो यहाँ पे लिखे मैं 205, लास्ट वाला टर्म जो था, बस अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 205 से 7 जाएगा, और यहाँ पे 6 माइनस एन रह जाएगा, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई थिंक
98 इज इक्वल टू 6n-1। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 198 को 6 से डिवाइड करना है n-1। अब बताइए डिवाइड होगा क्या, 18 आएगा ना, उसके बाद में फिर 16 डिवाइड तो नहीं हो पा रहा शायद। अच्छा यहाँ पे सॉरी सॉरी 8 है, मैं 6 लिख रहा था ना। तो ऐसे अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 जा 18 आएगा और फिर आएगा 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया 33 और यहाँ +1 = n, मतलब n = कितना हो जाएगा, n = 34 आंसर आ जाएगा। ठीक है हो गया, मतलब ये जो सीरीज़ है इसमें कितना कितना टर्म है, 34 टर्म है। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। फिर अभी यहाँ पे क्या बोला गया, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि चेक -150 इज ए टर्म ऑफ ए गिवन सीरीज, यस और नो। अगर इसका n का वैल्यू निकालेंगे, अगर n का वैल्यू फ्रैक्शन में आता है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें n नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में कभी गिन सकते क्या, अगर हमको गिनना रहेगा कोई भी चीज़ को तो 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनेंगे ना हम, 1.5, 1.5 ऐसे गिन पाएंगे क्या, नहीं ना। तो यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ हेयर और उसके बाद ए पी क्या है, ये ए पी है, तो ए सी ए पी से क्या मिला मेरे को, ए का वैल्यू मिल गया डी, a2 - a1, तो ए टू क्या है भैया 8 - 11, मतलब कितना मिला -3 तो। और उसके बाद में फिर और कुछ है हमारे पास, नहीं है। यहाँ पे हम लोग ए वन ए एन लेंगे, कौन सा निकालना है हमको, इसका पोजीशन निकालना है 150 का, तो यही मेरा ए एन है। तो यहाँ पे अब ए एन का फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a+n-1d। ओके अभी ए का वैल्यू कितना है, 11 है, प्लस एन नहीं पता मेरे को, n-1 वैसे ही रह जाएगा, और डी का वैल्यू है -3 और ए एन कितना है -150। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -150 = यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3n और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद इसको हम लोग फ्यूदर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -150, ये 11 को अगर मैं यहाँ लेके आ जाऊँ तो ये ऐसे हो जाएगा। इसको यहाँ पे एक्चुअली ना एक काम करते, इसको वैसे ही रहने देते, रुकिए, क्योंकि उसमें अच्छा पड़ ठीक रहता है, -150 है ना, 11 को यहाँ लेके आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे -3 n-1 को ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जोड़ने पे कितना मिल जा रहा मेरे को, बोलिए 161 और इसके बाद में इसको मैं यहाँ लेके आ जाऊँगा, -3 हो जाएगा, यहाँ n-1 वैसे ही रह जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा। अब एक बात बताइए मेरे को, क्या ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना, ठीक है। अच्छा ठीक है, 161/3 और यहाँ पे +1 आ जाएगा, ये जो n-1 का -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, n ऐसे ही रह जाएगा। और इसको फ्यूदर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, n = कितना हो जा रहा, 161/3 + 1। अब इसको सॉल्व करके देखिए, 3 वैसे ही रह जा रहा है ना, ये हो जाएगा 161 + 3 / 3 और सॉल्व करेंगे तो 164/3 नॉट डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या हो जा रहा है, फ्रैक्शन पार्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि द टर्म शुड बी पॉजिटिव इंटीजर नॉट फ्रैक्शन, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं द टर्म शुड बी पॉजिटिव इंटीजर बट नॉट ए फ्रैक्शन, नॉट ए फ्रैक्शन, और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, फ्रैक्शन पार्ट मिल रहा है, इसीलिए हिंस -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ द गिवन ए पी, ऑफ द गिवन ए पी। ठीक है, समझ में आया बात। तो देखिए अब जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ द 5th टर्म एंड 7th टर्म। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा,
ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा तो आप सिंपल एक काम करिएगा, यहाँ पे ए फाइव लिखिए, ए फिफ्थ टर्म। ए फिफ्थ टर्म होगा क्या? ए फिफ्थ टर्म का मतलब हो जाएगा ए एन प्लस फाइव माइनस वन डी, और सेवन टर्म का मतलब क्या होगा? ए सेवन टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एन प्लस सेवन माइनस वन डी। मतलब यहाँ से हमको क्या मिल जा रहा है? ए एन लिख रहा हूँ मैं, सॉरी फॉर दैट, ए नॉट एन, यहाँ पे भी गलती से मैंने एन लिख दिया। ए प्लस फाइव माइनस वन डी, ए प्लस सेवन माइनस वन डी, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? ए प्लस फोर डी, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? ए प्लस कितना डी? सिक्स डी। ठीक है, द सम ऑफ फिफ्थ एंड द सिक्स टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 52। तो दोनों का सम दिया है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, तो मैं यहाँ लिख दूँ ए प्लस फोर डी प्लस ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू 52। समझ में आ गया बात? तो दोनों को जोड़ने से 52 मिलेगा। तो इसको अगर और सॉल्व करेंगे हम तो ए प्लस ए टू ए हो जाएगा, और 4d और 6d क्या दे देगा मेरे को? 10d दे देगा, और इज इक्वल टू 52 हो गया। अब देखिए, अगर ये दोनों में से अगर मैं 2 को बाहर लेके चल जाऊँ तो ए प्लस कितना डी आ जाएगा? 5d आ जाएगा, और 5d दैट इज इक्वल टू 52। और इसको अगर मैं और सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा ए प्लस 5d इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ 2 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है ना, 26। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 26। ठीक है, और एक देखिए यहाँ पे मैं देखा हूँ, अभी तभी ध्यान नहीं दिया था, द टर्न टर्म इज 46 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला इक्वेशन मान लीजिए कि मैं इक्वेशन वन ले लेता हूँ, और दूसरा जो था, और एक तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ए टेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए प्लस टेन माइनस वन मतलब 90, डायरेक्ट लिख दे रहे, समझ में आ जाएगा आप लोगों को 90। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन क्या बन जा रहा है देखिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस 90 इज इक्वल टू, ए टेन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ए टेन का वैल्यू कितना दिया हुआ? 46 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए प्लस 90 इज इक्वल टू 46 हो जा रहा है। इक्वेशन टू में लिख दूंगा तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को सॉल्व करिए तो ए का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ए प्लस, ऊपर में कितना था? 5d इज इक्वल टू 26, 5d इज इक्वल टू 26, और यहाँ पे ए प्लस 9d इज इक्वल टू 46। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 4d इज इक्वल टू 46 से 26 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20 आएगा ना, 20, और माइनस में आएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, और t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय 4, मतलब ये आपको 5 दे देगा। तो d का वैल्यू 5 मिल गया। तो आप d का वैल्यू दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जैसे यहाँ पे a प्लस 5d इज इक्वल टू 26 है, तो d का वैल्यू हमको मिल गया है, वो कितना है? 5 है। तो यहाँ पे d का बदली मैं क्या लिख दूंगा? 5 लिख दूंगा। तो a प्लस कितना हो जा रहा है? 25, दैट इज इक्वल टू 26। तो a इज इक्वल टू, एक मिनट, a प्लस 25 ना, तो ये कितना हो जाएगा? a इज इक्वल टू 26 माइनस 25, दैट मीन्स a इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है? 1 आ जा रहा है। a इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है आपका? 1 आ जा रहा है। ठीक है ना, तो देखिए a इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे जो हम लोग का d निकला था वो कितना था? 5 था। ठीक है, हो गया। और क्वेश्चन में कुछ था क्या? क्वेश्चन में बोला था AP, आप AP बना लेंगे ना, आपके पास A है, D है, सब गिवन है, तो AP आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। अब आगे वाला क्वेश्चन में क्या बोला गया? यहाँ पे फाइंड द 20 टर्म बोला गया, लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोला, लास्ट से बोला गया। क्या बोला गया? लास्ट से आपको निकालना है ना। तो इसमें आपको क्या देखना है? कुछ नहीं देखना है, सिंपल से, जब भी आपको लास्ट बोलेगा ना तो आप लास्ट से काउंट करिए 20 टर्म, मगर आपका d का वैल्यू चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए,
अगर मैं यहाँ पे A1, A2, A3, A4 ऐसे जाऊँगा, अगर A5, अगर मैं लास्ट से गिनूँगा तो ये मेरा 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ऐसे होगा ना। तो नॉर्मली हम लोग डी का वैल्यू जब निकालते थे तो A2 - A1 करते थे। अब हम लोग अगर लास्ट से काउंटिंग करना रहेगा तो मैं क्या करूँगा, A1 - A2 करके निकालूंगा। क्योंकि देखिए अभी एक उल्टा गिनती करेंगे तो ये मेरा A1 हो जाएगा, ये मेरा A2 हो जाएगा ना। बस इसका ध्यान रखना है जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन देगा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे सीरीज़ कितना था, 3 था, 8 था, 13 था, और उसके बाद 2, 5, 3 था। ठीक है, तो लास्ट टर्म को ही मैं फर्स्ट टर्म पकड़ के चल रहा हूँ, तो मेरा इधर फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 253 हो गया। अब जो डी निकालूंगा मैं सीधा सीधा माइनस करूंगा, बस ये याद रखिएगा। जैसे नॉर्मली हम लोग 8 - 3 करते थे, अभी हम लोग क्या कर देंगे, 3 - 8 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। हो गया, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, An = A+N - 1 D। तो अब देखिए An कितना है, 253 है, सॉरी यहाँ पे ये नहीं लिखना था मेरे को, यहाँ पे An ना, An मतलब हम लोग 20 टर्म निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ 20 आ जाएगा क्योंकि लास्ट से हम लोग 20 टर्म निकाल रहे हैं। और ए का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, लास्ट वाला वैल्यू को ही हम लोग क्या ले लिए है, ए ले लिए है, तो उल्टा गिनती गिन रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे 20 - 1 मतलब 19, और डी कितना हो जाएगा, -5। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो A20 = 253 माइनस माइनस हो जाएगा, और 519 जा कितना होगा जल्दी बताओ, 519 जा कितना होता है, 19 को 5 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, 4 हाथ में तो ये हो गया 95, तो यहाँ आ जाएगा 95। और 253 से 95 को घटाएंगे तो 158 आ जाएगा, दैट्स इट। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ अच्छा लगा होगा, और जितना भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, SN का कुछ प्रॉब्लम छूट गया है, तो AP तो क्लियर हो गया होगा पूरा टर्म निकालने के हिसाब से। तो SN का जो जितना भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।